हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि स्केचअप के अंदर इस टाइप की स्टेयर आप किस तरीके से बना सकते हो एक एक्सटेंशन है मैद स्टेयर करके उसकी हेल्प से आप बहुत ही इजी तरीके से इस टाइप के किसी भी टाइप की स्टेयर आपको क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में तो यही हम आज बना के बताएंगे आपको तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक वॉल है जिसकी हाइट मैंने यहाँ पे ली हुई है नाइन्टी सिक्स क्योंकि ये स्टेयर बनाने के लिए आपको डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो 96 सिक्स ये हाइट है उसके बाद जब ये स्टेयर बनेगी तो हम स्टेयर की हाइट डालेंगे 96 सिक्स तो आप देखोगे एट्टी नाइन तो लेगा यहाँ से बॉटम से लास्ट लैंडिंग तक और जो ये लैंडिंग आ जाएगी ऊपर लास्ट ट्रेड से लेके लैंडिंग तक वो सेवन इंच तो आपका टोटल नाइनटी सिक्स जाएगा हम जो इसकी विट रखने वाले हैं थर्टी सिक्स इंच और एक स्टेप जो टेन इंचिस का हम लेने वाले हैं तो इसको मैं डिलीट करता हूं और यही स्टेयर हम यहाँ पे दोबारा से बनाने की ट्राई करते हैं तो यहां पे मैंने बनाया हुआ है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले काउंट कर लेने हैं जो आपके ट्रेड हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह टोटल ट्वेल्व ये आपके ट्रैड्स हैं ठीक है तो अब इसको हम बनाने की ट्राई करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटेंशन डाउनलोड कैसे करनी है आप यहाँ पे जाओ एक्सटेंशन वेयर हाउस पे और वेअर हाउस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मैथ स्टेयर करके एम ए जे मैथ स्टेयर करके आप यहाँ पे डाउन सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मैथ स्टेयर के नाम से एक एक्सटेंशन मिलेगी जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आप यहां से इंस्टॉल कर सकते हो यहां से आप देख सकते हो किस किस टाइप की स्टेयर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है यहां पे एक्सटेंशन मैनेजर पे तो यहां पे आप देखोगे मैथ स्टेयर करके आ जाएगी और आप इसे अनेबल कर दो अनेबल करने के बाद आपको एक्सटेंशन में मैथ स्टेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब यहां से आपको कुछ डाटा डालना है डाटा सबसे इजी है यहां पे आप टोटल तो... टोटल हाइट डाल सकते हो तो तो, स्टेयर की आपकी राइजर की हाइट डाल सकते हो मान लो मैंने टोटल तो हाइट डाली है थर्टी यहाँ पे कर दी। मैंने 96 जो यहां से लेके यहाँ तक है okay. और जो आपके स्टेयर नंबर है मैं नंबर डाल सकता हूँ या फिर एक स्टेयर की हाइट डाल सकता हूँ एक राइजर की हाइट कि मेरे को सिक्स इंच का चाहिए या एट इंच का मेरे को राइजर चाहिए मान लो मैंने स्टेयर नंबर डाला है यहाँ पे और वो डाला है ट्वेल्व जो मैंने यहाँ पे काउंट किए थे ठीक है उसके बाद है नोजिंग नोजिंग होती है, देखो यहां पे देख पा रहे हो इस तरीके की ये चार टाइप के स्टेयर है तो हम सबसे पहले बनाएंगे टाइप ए ड्रो स्टेयर पे क्लिक करो क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको बताना विर्थ मैंने बताई यहां पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया ये विध और उसके बाद

ड्रॉ स्टेयर पे क्लिक करो यहाँ पे क्लिक करो इस पे क्लिक करो और इस पे डबल क्लिक कर दो तो आपकी यहाँ पे टाइप बी की स्टेयर बन जाएगी जिसमें आप देख सकते हो ये टाइप बी है और ये टाइप सी है इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा थिक और ये वाला पार्ट थोड़ा तीन है टाइप सी के अंदर इसको भी बनाना है डिलीट करता हूं मैथ स्टेयर यहाँ पे फिर से नाइनटी सिक्स यहाँ पे मैंने ट्वेल्व किया और यहाँ से टाइप सी किया ड्रॉ स्टेयर पहले दी वेथ और उस पर यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दिया तो आपकी स्टेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई ये है टाइप डी जिसमें आपका नीचे का पार्ट नहीं आएगा इस तरीके से आपकी स्टेयर यहाँ पे बन जाएगी ठीक है उसके बाद है ये हो गई आपकी विदाउट नोजिंग वाली अगर आप इसको बनाएंगे यहाँ पे तो आप यहाँ पे मैथ स्टेयर पे क्लिक करें यहाँ पे डाला नाइनटी सिक्स यहाँ पे डाला ट्वेल्व और मैंने नोजिंग लेंथ को ऑन ऑफ नो कर दिया और यहाँ पे टाइप ए टाइप बी कोई भी मैं बना सकता हूं ड्रो स्टेयर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक किया ये क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो आपकी विदाउट नोजिंग लेंथ वाली स्टेयर यहां पे क्रिएट हो जाएगी थी, ठीक है उसके बाद है कि मान लो अभी यहां से अप कर रहे थे मान लो उधर साइड से अप करना है तो उसको भी बनाने के दो तरीके हैं पहला तरीका है कि मान लो मैं यहां से मैं स्टेयर बना रहा हूं ये मैंने 96 डाला ये मैं 12 डालूंगा यहां से और यस कर दिया इसको और टाइप ए टाइप भी कोई भी मैं क्रिएट कर सकता हूं ड्रो स्टेयर पे क्लिक करूंगा अब यहां से बनाने की बजाय एक तरीका है कि आप यहां से बना दो कि ये वेथ लो और ये हाइट दे दो डबल क्लिक करो तो आपके यहाँ पे इस तरीके से स्टेयर बन जाएगी बट इसके अंदर और भी ऑप्शन है क्या ऑप्शन है कि अगर आप यहां से मैथ स्टेयर लेते हो मान लो मैंने नाइनटी सिक्स किया और इसे ट्वेल्व कर दिया और यहां से आपने यस किया और कोई भी टाइप लिए ड्रो स्टेयर किया तो यहां से मान लो आप इधर से बना रहे हो ये क्लिक किया ये क्लिक किया यहां पे जाओगे तो आपको एक प्रोजेक्शन दिखेगी किस तरीके से आपकी स्टेयर बन रही है बट अगर आप यहां पे देखोगे यहां पे है एरो कीज एरो की का मतलब है अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस कर देते हो तो ये स्टेयर यहीं से आपका उल्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा मतलब वहां से अप हो जाएगा यहां से डाउन हो जाएगा दोबारा लेफ्ट से आप यहां से स्विच कर सकते हो लेफ्ट और राइट एरो से अब यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी आप इस तरीके की स्टेयर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ठीक है अब इसको बनाने के एक दो तरीके और बता देता हूं कैसे फॉर एक्साम्पल मैं यहां से मैथ स्टेयर लेता हूं और यहाँ पे मान लो नाइनटी सिक्स किया ट्वेल्व मैंने यहाँ पे किया टाइप ए मान लो स्टेयर बना रहा रोट्रो अब क्या कर सकता हूं मैं कि यहां पे क्लिक करूंगा यहां पे क्लिक करूंगा या तो डायरेक्टली मैं यहां पे क्लिक कर दूं या फिर एक एक करके भी मैं क्लिक कर सकता हूं यहां पे इस तरीके से अगर आपके स्टेयर का पाथ अलग तरीके से हो तो भी आप इस तरीके को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एक एक करके एक तरीका क्या है बनाने का यहाँ पे कि आप मैथ स्टेयर पे जाओ यहाँ पे स्टेयर डाला आपने यहाँ पे ट्वेल्व किया और आपने यहाँ पे ड्रॉ स्टेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नंबर प्लस एंटर मतलब यहाँ पे फर्स्ट आपने क्लिक किया अब आप डाल दो इलेवन एस आप यहाँ पे देख सकते हो इलेवन एस आएगा इलेवन एस एंटर करोगे तो इलेवन आ जाएगा और यहां से भी आप क्लिक करके डाल दो इलेवन एस तो आपकी इस तरीके की स्टेयर बन जाएगी कि दोनों साइड से आपको कितने नंबर ऑफ से चाहिए यहीं पे आपको मैं समझा देता हूं कि अगर आप यहां से मैथ स्टेयर लेते हो मान लो टोटल हाइट ले लिया आपने 96 और जो यहां से आपने स्टेयर राइजर की हाइट ले लिया आपने मान लो सिक्स इंच अब क्या होगा कि आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा वो अपने आप ही सिक्स इंच के अकॉर्डिंग आपका राइजर ले लेगा आपको नंबर नहीं डाला अब आपने तो आप डायरेक्टली यहां से राइजर की हाइट डाल सकते हो क्लियर है अब मान लो आपको इस टाइप की स्टेयर बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे अब इस टाइप की स्टेयर को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं पहला तरीका कि यहाँ पे गई मैथ स्टेयर यहाँ पे 96 करने की बजाय मान लो ये छोटी है मान लो मैंने 36 रखा नंबर ऑफ स्टेयर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव मैंने डाला स्टेयर टाइप ड्रॉ यहां पे वेट लिया अब आप क्या कर सकते हो एक दो तीन चार पांच ये क्लिक यहां पे हो गया उसके बाद इसके सामने से फिर जो इसका लैंडिंग है ये दो तीन चार और यहां पे डबल क्लिक कर दो तो आपकी ये टाइप की स्टेयर यहां पे बन जाएगी या फिर दूसरा तरीका इसको बनाने का मैथ स्टेयर पे क्लिक करो सेम डायमेंशन डाली ड्रो स्टेयर यहां पर आपने डाला यहां पर क्लिक करके तो ये आगे ना आपका डायरेक्शन आ गई अब डाल दो फोर एस एंटर और यहाँ पे भी क्लिक करके डाल दो फोर एस एंटर तो भी आपका इस तरीके से आपकी स्टेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कैसे स्टेयर बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अब मान लो मेरे को ऐसी राउंड में स्टेयर बनानी है तो राउंड में स्टेयर बनाने के लिए वही मैंने क्या किया पहले और इसको मैंने यहाँ पे uh, explain, मैंने पे गए मान लो मैंने इसकी हाइट डाल दी फिफ्टी और जो ये डालने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो मैंने यहाँ पे सेवन नंबर डाल दिया टाइप बी कर दिया मान लो ड्रॉ यहां पे क्लिक किया ये विर्थ डाली और उसके बाद एक दो ये आप ये अपने आप ही दिखाएगा आपको कि नेक्स्ट स्टेप आपको कहां पे रखना है और उसके बाद सेम रूटीन में अंदर वाले पॉइंट्स को भी आप ऐसे क्लिक करोगे और लास्ट वाले पॉइंट पे डबल क्लिक करोगे तो आप किस तरीके से बन जाएगी स्टेयर ठीक है स्पायरल स्टेयर हो गई अगर मान लो मेरे को ऐसे बनानी है कि आपको वाइंडर आता है बीच में लैंडिंग की जगह यहाँ पे तो आपको बनानी कैसे है सेम आपको यहाँ पे रखना है इसमें एक ट्रिक है जो आप यहाँ पे सीखोगे यहां पे मान लो मैंने किया इसकी हाइट नाइनटी सिक्स ही कर दिया और नंबर मैंने कर दिया टोटल है तो मैंने थर्टीन किया टाइप बी किया ड्रॉप अब यहां पे आप क्लिक करोगे ये क्लिक किया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ फिर उसके बाद यहां पे क्लिक किया फिर ये ये तो हो गया कंप्लीट ठीक है अब जैसे यहां पे चलेंगे तो आपको करना क्या है यहां पे अब इस वाले पॉइंट पे आपके दो पॉइंट कनेक्ट हैं तो आपको यहाँ पे दो बार क्लिक करना है तब जाके यहां से, तो से यहाँ पे आपकी स्टेयर क्रिएट हो जाएगी आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो वो आपके ऊपर है कि किस टाइप की स्टेयर आपको क्रिएट करनी है और भी काफी सारे स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे स्टेयर को क्रिएट कर सकते हैं किस टाइप का आपको स्टाइल चाहिए क्रिएट करने के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मैं आपको इसकी हेल्प से आपको बना के दिखा सकता हूँ तो ये था आज की वीडियो में तो आशा करता तो हूँ वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करे और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वीडियो देखने